ज्ञान व्यापी पर फैसला देने वाले जज को कौन डरा रहा है? ज्ञान व्यापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज को क्यों डर लग रहा है? शिव पर सुरक्षा, खुद की सुरक्षा पर खौफ क्यों? क्या अमित शाह लेंगे कोई बड़ा फैसला, परिवार को देंगे सुरक्षा? आखिरकार कौन है रवि कुमार दिवाकर? क्यों है उनकी जान को खतरा? ऐसा क्या किया उन्होंने कि पूरा देश कर रहा है उनकी चर्चा? क्या खास है रवि कुमार दिवाकर में? हर सवाल का जवाब देंगे आपको, बस इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि जिस जज ने ज्ञान व्यापी को लेकर फैसला लिखा, इतिहास रच लिया, आज उस जज की कहानी पूरा देश जानने के लिए बेताब है। सबसे पहले उस फैसले का जिक्र कर लेते हैं जो जज रवि कुमार दिवाकर ने दिया। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे, जज साहब ने जैसे ही आदेश पढ़ा वैसे ही कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के नारे लगने लगे, क्योंकि रवि कुमार दिवाकर ना होते तो ना सर्वे होता, ना आदेश होता, ना ही शिवलिंग की बात निकलकर सामने आती, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये सच है कि इस तरह के मामलों में अधिकतर जज कभी भी सर्वे का आदेश नहीं लेते। मगर रवि कुमार ने ये फैसला लिया, सच सामने आने की कगार पर है, इसलिए पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। मगर क्या जज साहब और उनके परिवार को जान का खतरा है? तो ये बात क्यों? तो अब सुनिए, देखिए और समझिए कि जज क्या लिखते हैं। पेज नंबर 2 पर जिक्र करते हुए लिखते हैं कि शायद ही कभी किसी मामले में अधिवक्ता कमिश्नर पर सवाल उठाए गए हो। इस साधारण से सिविल विवाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। सुरक्षा की इतनी चिंता है कि 11 मई को मां ने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं कमिश्नर के रूप में ज्ञान व्यापी जा रहा हूं। मुझे मां ने मना भी किया कि मैं कमिश्नर के रूप में ना जाऊं, क्योंकि वहां मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कल मेरी मां लखनऊ में मुझसे बातचीत के दौरान सुरक्षा पर ही चर्चा करती दिखाई दी। मेरी पत्नी मेरे घर से बाहर आते ही मेरी चिंता करती है, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए। जी तो क्या जिस जज ने अपने फैसले में माना कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग है, उनके परिवार, उनकी माँ, उनकी पत्नी को आज मोदी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है? ये सब जानते हैं कि जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर ही ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे का काम हुआ, जिसके बाद उनके आदेश से साफ हुआ कि मस्जिद में शिवलिंग जैसा कुछ मिला है। और ये वही जज हैं जिनके आदेश पर तुरंत उस जगह को सील कर दिया गया जहां से शिवलिंग मिला। मगर हुआ यूं कि जज साहब ने शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश तो दे दिया, मगर आज परिवार खुद की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। वैसे तो जब से ये सच सामने आया है तब से ही लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जज साहब की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग और वकालत कर रहे हैं। तो क्या वाकई में जज साहब की चिंता वाजिब है या फिर नहीं? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। जब कर्नाटक में हिजाब विवाद की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को सरेआम धमकी दिया जाने का मामला सुर्खियां बना था, तो याद होगा आपको, जिसमें धमकी के दौरान मिसाल के तौर पर धनबाद में एक जज की मौत का जिक्र तक करके डराने धमकाने की कोशिश तक की गई। इसलिए हैरानी नहीं होगी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ज्ञान व्यापी पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले जज की सुरक्षा को कभी भी बढ़ा दे। यानी देश में इंसाफ की आखिरी किरण न्यायपालिका है। ऐसे में इस फैसले के बाद कुछ बड़ा होगा ये भी तय है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, मगर कोर्ट के आदेश को ध्यान से देखें, पढ़े और समझें तो पता चलता है कि ज्ञान व्यापी में 12 फीट का शिवलिंग मिला है। तो साफ है कि जज की सुरक्षा मोदी सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है, जिसे वो बाखूबी निभाएगी, ऐसी उम्मीद पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।